हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स, हमारी पूरी कुकीज फॉर फैमिली, सभी लोग कैसे हो? एकदम स्वस्थ ना? मेरी पूरी कुकीज फॉर फैमिली स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, बस यही अभिलाषा की अभिलाषा है। आज मैं आप सब की भी अभिलाषा पूरी करने वाली हूँ। वो कैसे? सर, मेरे से सबसे ज्यादा सवाल किया जाता है मेरी ससुराल, मेरी मदरहुड लाइफ, मदरहुड जर्नी। पिछले कुछ दिनों से बहुत से रिक्वेस्ट है कि मैं बताऊं कि मैंने बच्चों को पाल पोस कर कैसे बड़ा किया, मेरी मदरहुड जर्नी जानना चाहते हैं लोग। जबकि मैं एक हॉस्टलर थी, मैं हॉस्टल में रही, बाहर, घर से बाहर, उसके बाद अकेले घर को कैसे संभाला, जॉब में हस्बैंड एक अदर स्टेट में आकर के बिल्कुल अकेले। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मुझे भी हुई, सबको होती है शुरुआत में, और उन दिक्कतों के साथ बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना बहुत मुश्किल टास्क है। तो मेरे बारे में बहुत से यही सवाल थे, तो आज मैंने सोचा कि शुरुआत करती हूँ। हालांकि 2001 में जो मेरी शादी हुई और ये 2021 चल रहा है, 21 साल का सफर ना तो 21 दिन में पूरा हो सकता है ना 21 घंटे में पूरा कर सकती हूँ मैं, पर कोशिश करूंगी। और इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि जो आज वीडियो है, इसके बाद अगर ये खत्म नहीं होगा एक लिमिट में, तो मुझे इसे खत्म करना होगा, तो मेरी जर्नी का जो पार्ट है वो मैं कंटिन्यू करूंगी। तो आप आगे भी वीडियोस देखते रहिएगा, तो जिससे जो आपने कोई भी एपिसोड मिस किया तो आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। आज मैं पूरे मूड में बैठी हूँ कि आज मैं कोई कुकिंग वाला शूट नहीं शेयर करूंगी। नाश्ता वास्ता हो चुका है घर में और शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिलाषा गुप्ता है, मैं बांदा यूपी की रहने वाली हूँ। 12th तक की जो स्टडीज है मेरी वो बांदा में GGIC स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, वहाँ से कंप्लीट किया। 1991 में मेरा 10th है और 93 मेरा 12th पास किया। फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने आगे की पढ़ाई के लिए गई। बांदा में भी डिग्री कॉलेजेस थे, लेकिन मेरे पापा ने मुझे इलाहाबाद भेजना चाहा। उनको ऐसा लगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पढ़ने से बच्चों में मतलब नॉलेज बढ़ेगी, आगे कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं परिवार में सबसे बड़ी हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ और मेरे दो भाई हैं। दोनों भाई मेरे से छोटे हैं, मेरा नाम अभिलाषा, मेरे दूसरे भाई का नाम अभिषेक और तीसरे छोटे भाई का नाम अभिजीत। अभिजीत जिनके पास मैं अभी लखनऊ गई थी, वो मेरे थर्ड नंबर वाले भाई हैं और वो PCS क्वालिफाई किया था उन्होंने, तो PCS है, सेल्स टैक्स में है। और जो अभिषेक हैं उन्होंने भी फार्मेसी की पढ़ाई करी थी और बांदा में उनका मेडिकल स्टोर है, विजय मेडिकल स्टोर बांदा में, महेश्वरी देवी मंदिर है उसके सामने हमारी शॉप है। तो सफर, मदरहुड का सफर के लिए पहले शादी पे आना होगा ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग करी ऐसे। तो 2001 में मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं, तो जब हमारी शादी हुई तो उनकी पोस्टिंग नहीं हुई थी, ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग 40 गांव में थी। जिस जमाने में हमारी शादी की गई तो ये हुआ सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होती है, ऐसा पेरेंट्स का सोचना था। तो रेलवेज में मेरे हस्बैंड थे, तो PWS करके एक पोस्ट थी, वो पोस्ट थी उनकी, जबकि अब वो पोस्ट हट गई, अब डायरेक्टली PWI होते हैं। प्रमोशन के बाद गुप्ता जी PWI हुए थे और इसके बाद अभी आज वो ट्रेनिंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर हैं रेलवे में। तो हमारी शादी हुई तो गुप्ता जी 40 गांव में ट्रेनिंग में थे, शादी तय हुई, फिक्स हुई, इंगेजमेंट हुई, फिर शादी हुई। शादी 2001 फरवरी में हुई, तब भी उनकी 40 गांव ही ट्रेनिंग सेंटर में ही थे वो। शादी हो गई, उसके बाद मैं ससुराल गई शादी के बाद,
हमारे यूपी में पूरे दान दहेज के साथ शादियां होती हैं, कैश भी लेते हैं, गोल्ड भी लेते हैं और शो का सामान भी लेते हैं, और लड़की तो आनी ही आनी है। वैसे ही पूरी शादी हुई थी हमारी 2001 में। शादी के बाद गुप्ता जी की जैसे कि ट्रेनिंग चल रही थी, तो वो अपने थोड़े दिन जो भी 8-10 दिन रहे, उसके बाद फिर चले गए 40 गाँव में। 9 फरवरी से मेरी शादी हुई, तो फरवरी 2001 के बाद जो नवंबर आया, तब इस लंबे गैप में होली भी आई, तीज त्योहार आए, तो ससुराल में आना जो भी गई तो मायके गई, और फिर वो बांदा अतर्रा मेरा बिल्कुल पास पास है, ससुराल मेरी अतर्रा है जो कि बांदा से बिल्कुल नज़दीक है। तो वैसे ही दिन बीते, फ़ोन पे बात हुई, एक दो बार गुप्ता जी आए, और फिर इस तरीके से नवंबर आया। नवंबर में मैं गुप्ता जी की जहाँ पोस्टिंग शुरू हुई, तो पहली पोस्टिंग माना एक गांव थी, नाम भी मैंने पहली बार सुना था, माना महाराष्ट्र में मुर्तिजापुर के पास माना था, अकोला डिस्ट्रिक्ट में मुर्तिजापुर आता है, और मुर्तिजापुर के पास एकदम खेड़ा गांव, गांव ऐसा जो मैंने लाइफ में पहली बार देखा था, टीवी वगैरह में जरूर भले ही पुरानी फिल्मों में देखा हो, कि जब आप स्टेशन में ट्रेन आई और ट्रेन से आप उतरे, तो स्टेशन से बाहर निकले तो सफाचट सन्नाटा, कुछ भी नहीं, सिर्फ खेत दिखाई दे रहे हैं, गांव आगे जाके है, इस खेत के बाद गांव है, जहां गिनती के घर हैं, और जहां सब्जियां भी नहीं मिलती हैं, ब्रेड का पैकेट नहीं मिलता था। 2001 माना फर्स्ट पोस्टिंग थी, मतलब यूं समझो आसमान से टपके खजूर पे अटके, वो सिचुएशन। और जब मैं बांदा यानी अतर्रा से ससुराल से पहली दफा हम आए, 4 ट्रेन बदली गई थी, अतर्रा से मानिकपुर, मानिकपुर से भुसावल, भुसावल से मुर्तिजापुर, और मुर्तिजापुर से माना, यानी कि फर्स्ट टाइम इतनी लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी तय की थी। ट्रेन में ही रोना धोना शुरू था मेरा, मतलब कब आएगा, ऐसा लगता था कूद पड़ो, क्योंकि उस समय स्लीपर में चलते थे ट्रेन में, और स्लीपर और उसके बाद भद्दर पैसेंजर में बैठ गए, तो स्लीपर में तो जैसे तैसे हाल थे ही, डुक डुक करते हुए चले, और जब बैठे पैसेंजर में, और जो भयानक भीड़ और ढेर सारा लगेज, जब मैं आई ना, तो मतलब तब ये गुप्ता जी ने बोला ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट पोस्टिंग हुई माना, और सब चीज़ें पैसे से होती हैं, जब आपके हाथ में पैसा ही नहीं है तो आपके पास सामान ही नहीं है, और जो हमारा कैश था हमारी शादी का, वो मेरे ससुर जी के हाथ में था, तो मेरी ननन की शादी करनी थी मेरी शादी के बाद, इसलिए उन्होंने उसमें से 1 रुपया दिया नहीं हमें, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। यहाँ तक इन शॉर्ट एक लाइन कि जब मैं गुप्ता जी के पास आई, तो उन्होंने मुझे बताया कि फला डेट को मीनू पेमेंट होगा, तब फिर हम लोग कुछ सामान लेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट ही नहीं है, नो मनी, और मामला तनख्वाह का इंतजार। फर्स्ट मंथ हमने नवंबर में जब गया, तो उन्होंने बताया कि उस डेट को पेमेंट आएगी तब हम सामान लेंगे, और जो है वो है। और इसके पहले जो मैं बांदा से लेके आई थी, मतलब मम्मी लोगों ने जो जो कलेक्ट करके दिया था कि ये घर गृहस्थी का सामान, जो मैं हमेशा बीच में बताती रहती हूँ, किचन सेट, डिनर सेट, और ये वो, यहाँ तक कि एक हमारी बुआ जी थी, पापा की बुआ, और बुआ दादी, उन्होंने गैस चूल्हा दिया था, सोचो वो चूल्हा दिया गया, और स्टील का, जैसे मिलते नहीं शादी ब्याह में गिफ्ट में लड़कियों को, तो सारा सामान दे दिया गया था, क्योंकि मेरी कोई दूसरी बहन थी नहीं कि भाई दूसरी लड़की को देना पड़ेगा, जो मीनू का है वो उठा के दे दो मीनू को, सब सामान जितना भी गिफ्ट में था, और मैं परिवार की बड़ी बेटी और इकलौती बेटी, काफ़ी गिफ्ट वगैरह थे, जितना कैसरोल मिला, किसी ने मिक्सर दिया, मिक्सर भी सब, मतलब हर चीज़ जो जो मिली वो सब दे दिया गया यहाँ पर, कि लेती जाओ मीनू, ये लेती जाओ मीनू, ये लेती जाओ। तभी मैंने वो तवा वाली कहानी बताई थी कि तवा नहीं दिया गया था, तो तवा पे बड़ी चाची के साथ बाजार जाकर के लेके आई, क्योंकि गुप्ता जी के पास कुछ भी नहीं था, एक फोल्डिंग थी, एक बकेट थी, मग था, और ऐसे 4-6 चीजें थी जैसे स्टूडेंट लाइफ में लड़कों के पास होती है, मतलब वो शुरू में माना गए ही थे, और बस वही 4-6 चीजें। हाँ, तो हम ट्रेन से जब पहुंचे, तो स्टेशन में पहुंच गए, सामान रखा हुआ, मैं बैठी हूँ, गुप्ता जी ने कहा कि रुको मीनू, अभी गाँव से ऑटो लेके आते हैं। सोचो एक अनजान स्टेशन जहां मैं सिर्फ बैठ गई और सामान रखे, 15-16 लगेज था उस टाइम पर हमारे पास फर्स्ट ट्रैवलिंग में, क्योंकि ब्लैंकेट भी था, और क्योंकि नहीं था तो ब्लैंकेट भी लिए जाओ मीनू, और ये जितना भी मैंने बोला ना कि ये लिए जाओ, ये लिए जाओ, ये लिए जाओ, ये सब मम्मी ने किया था कि ये लिए जाओ, इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, इस चीज़, ससुराल में कोई पूछने वाला नहीं था कि अच्छा तुम जा रही हो तो तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो तुम ये चीज हाथ उठा के लेती जाओ, सब साइलेंट मोड में। फिर ससुराल में जब मेरी शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड जिनके साथ शादी हुई, मेरे सास, मेरे ससुर,
मेरी दादी सास और एक कुंवारी नंद, एक की शादी हो चुकी थी और दूसरी की होनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना हाथ रोक के रखा हुआ था कि भाई उनको अपनी शादी करनी है। फिर माना से शुरू हुई हमारी जर्नी। माना में जब हम गए तो जहाँ पर ब्रेड भी नहीं मिलती थी, सब्जी भी नहीं मिलती थी, और इन सारी चीज़ों के लिए यानी बेसिक चीज़ों के लिए भी हमें एक मुर्तिजापुर एक स्टेशन था वहाँ जाना होता था। वहाँ जाने के लिए एक बस आती थी और हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक आती थी। माना में एक बैंक था, बैंक के ऊपर चार कमरे थे जो कि किराए से दिए गए थे, तो चार फैमिली थी, एक कमरा और एक किचन हमारा 500 में था, वन रूम वन किचन 500 रेंट 2001 में। तो बस फिर वहीं से शुरू हुआ और तो जब बस से हम लोग मुर्तिजापुर जाते थे तो जैसे हमारे चार फैमिलीज थी तो कोई दूसरी फैमिली, एक जैन करके एक फैमिली है जिनको मैंने बताया था कि मैंने अपनी येलो साड़ी भी दे दी थी अंजलि जैन को, वो भी रेलवे में थे संजय भैया, जो मेरी शादी की फेरे वाली साड़ी थी ना वो मैंने अंजलि को दी थी एक बार बोला था ना। तो हम दो मतलब यूपी के थे और बाकी दो महाराष्ट्रीयन फैमिली थी जिनके साथ वो बैंगन की सब्जी का एक्सपीरियंस एक बार मैंने शेयर किया होगा ना, मसाले चिवांगे तेचत मीट टाका, मीट मतलब नमक होता है, तभी मुझे पता नहीं था। यानी हम दो महाराष्ट्रीयन फैमिलीज में थे और दो यूपी साइडर्स थे, हम चार फैमिली थे, बैंक के ऊपर रेंट में रहते थे। कोई भी अगर गया मुर्तिजापुर तो हम बोलते थे हमारे लिए ब्रेड ला देना, जब हम जाते थे तो उनके लिए लाते थे। वहीं से हमने शॉपिंग की थी अमरावती की, ढेर सारी शॉपिंग, क्योंकि माना से मुर्तिजापुर जाओ तो बस से जाओ और बाई ट्रेन जाते थे हम माना से, तो अमरावती जाते थे सुबह और शाम को आते थे, और जितना भी घर गृहस्थी का अग्घा मग्घा कुछ भी चाहिए हो, प्लीस्ट का मेला घमेला बाल्टी मग्घा सब वहीं अमरावती से ढेर सारी शॉपिंग हो जाती थी। जैसे चादरें वादरें शुरू में जो हमारी भागलपुरी चादरें हैं वो अमरावती से ली थी, या बहुत सारी चीज़ें जो बताती हूँ मैं, बॉटल स्टील वाली जो आज भी हैं, ये सब अमरावती और मुर्तिजापुर उसी ज़माने की शॉपिंग है। तो ऐसे ऐसे होता था। तो ये हुआ कि जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है तो कल को अगर कभी अच्छे बच्चे आए तो जो होता नहीं बच्चे बद बद में बीमार होते रहते हैं, देखते थे हम लोग शुरू से, तो सोच कर ही डर लगता था कि कहाँ कौन जाएगा अमरावती और माना। और उसके लिए भी तब गुप्ता जी के पास बाइक भी नहीं थी, साइकिल थी गुप्ता जी के पास माना में, जबकि स्कूटर के लिए पैसे दिए गए थे दहेज में, लेकिन नहीं ली गई थी क्योंकि बहन की शादी करनी थी। तो साइकिल से तो जाते थे स्टेशन और फिर स्टेशन से बैठे ट्रेन में और ट्रेन से गए दूसरे स्टेशन। गुप्ता जी की जो माना हम रहते थे उनका हेडक्वार्टर बडनेरा था और ड्यूटी के लिए डेली बडनेरा जाते थे, अगर 7 बजे पोजीशन मिलती थी उनको कि 7 बजे पहुंचना है तो इसके लिए 5 बजे से घर से शुरू होती थी जर्नी, क्योंकि आप साइकिल से स्टेशन तक जाएंगे, फिर आप ट्रेन में बैठेंगे, फिर आप वहां जाएंगे जहां आपकी ये लाइन पर था ना काम पहले ट्रैक में, तो ट्रैक थोड़े दूरी होते हैं, अगर आप स्टेशन में भी पहुंचते हो फला स्टेशन में तो आपका काम नहीं शुरू हो जाता, आपको उस नंबर उस ब्लॉक जो भी उनकी रेलवे की भाषा होती है वहां पहुंचने के लिए भी आपको वॉकिंग करके जाना है। तो सोचो तो यानी कि अब 5 बजे से निकलना है तो पत्नी को 4 बजे से जागना है खाना बनाने के लिए, ना फ्रिज ना टीवी। माना में हमारे पास कुछ भी नहीं था और वो एक ऐसा गांव था जहां 6-6 घंटे लाइट जाती थी। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इतनी अभ्यस्त हो चुकी हूँ मैं बत्ती पानी की किल्लत से कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब मेरी सेहत में अब रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो माना में सब्जी और ब्रेड के लिए ऐसा सिलसिला चलता रहा, एक बार सब्जी ले आए तो कपड़े में लपेट के रख रहे हैं, सूखी सब्जियों में भिंडी तोरई लौकी कद्दू ऐसी 4-6 सब्जियां ले ली कि 4-5 दिन काम चल जाए। और फिर संडे किस्मत आपको रेस्ट मिले कि ना मिले वो आपके ऑफिसर के ऊपर होता था, मतलब आपको रेस्ट संडे प्रॉपर वीकली एक दिन की छुट्टी थी रेस्ट था, लेकिन वो आपको संडे को मिलेगा या मंडे को मिलेगा या फ्राइडे को मिलेगा ये आपके ऊपर वाले ऑफिसर तय करेंगे। मतलब राह देखो कि शायद संडे को रेस्ट होगा तो हम चले जाएंगे फला फला काम निपटा लेंगे घर की 4 चीजें ले आ देंगे, तो पता चला संडे को मीनू रेस्ट नहीं है ट्यूजडे को मिलेगा, ट्यूजडे को सोचा अगले ट्यूजडे को रहेगा नहीं तो कहो बृहस्पतिवार को मिलेगा, मतलब हफ्ते में एक दिन की रेस्ट होती थी लेकिन वो आपका अधिकार तो है लेकिन मिलेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोई जरूरी काम है रेलवे का वो पहले जरूरी है, वो होता है ना हर फील्ड में होता है, जो नीचे वाला है उसको हमेशा दबाया जाता है और दबाया जाता है, वही वाली चीज थी। तो कई बार तो गुप्ता जी ऐसा बोलते भी थे कि मुझसे तो अच्छा वो मजदूर होता है, मतलब जो लेबर होती है ना पुतैया पोती पुताई करने आते हैं घर में वो ज्यादा अच्छे हो, 10 से 5 के बाद ड्यूटी खत्म बीड़ी फूकने लगे चाहे वो खाने पीने चले गए, मतलब वो आजाद हो जाते हैं लेकिन हम लोग नहीं है। अब वही मजबूरी
सरकारी नौकरी छोड़ के कैसे जाएं, छोड़ भी दें तो ये जिम्मेदारी है जो बीवी वो कौन संभाले, और घर में दुकान और मकान तो है लेकिन कैश चाहिए, खाली दुकान से तो बिजनेस होते नहीं है, दुकान तो आज भी है, दुकान कल भी थी, दुकान नीचे ऊपर मकान, ऐसा है मेरे ससुराल में, पर कैश नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, तो यानी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम थी तो कुछ हो नहीं सकता, फिर रो लिए और फिर कर चल पड़े ड्यूटी पे, उनकी भी वही मजबूरी थी, जानते थे रात में 10 बजे चले आ रहे हैं, जैसे सपोज वहां से 7 बजे छूट गए अपने काम से, अब जो ट्रेन मिलेगी उसी से तो पहुंचेंगे मुर्तजापुर, और मुर्तजापुर पहुंचेंगे फिर बाद में माना आएंगे, क्योंकि माना में सारी ट्रेनें नहीं रुकती थी, जो भीड़ वाले इलाकों में ट्रेनें स्टेशन होते हैं वहां हर ट्रेन नहीं रुकती ना। अब आप बड़े अधिकारी तो है नहीं कि आपने चेन खींच ली और आपने बोल दिया हेलो मैं उतरने वाला हूँ तो मेरे लिए ट्रेन रोक दो, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो बडनेरा से मुर्तजापुर, मुर्तजापुर से फिर माना, और फिर साइकिल उठा के गांव भीतर अपने घर आना। तो ये बचते थे 10 सुबह 5 बजे निकले, कहो 9 बजे 10 बजे आ रहे हैं और पूरे गाँव में सपा छट काला छाया अंधेरा, यानी लाइट नहीं है। ऐसे ऐसे दिन बीते तो एक त्योहार आया जिसमें मम्मी आई और संतोष आया, वो छोटा वाला अभिजीत जो लखनऊ में जिसका आलीशान मकान देखा ना, छोटा वाला भाई, तब वो स्ट्रगलिंग में था, बीटेक किया हुआ था उसने या कर रहा था मुझे खुद अच्छे से याद नहीं। मेरी शादी में दोनों भाई छोटे थे, पढ़ लिख रहे थे, वो भी डायरेक्ट मेरी शादी में ही आए थे कि दीदी की शादी है, मतलब उनको कुछ नहीं पता था कहाँ हो रही है किससे हो रही है, कुछ नहीं पता था। जब मेरी शादी के बाद माना में संतोष और मम्मी आए तो संतोष मम्मी से कहता है कि ये कहाँ रह रही है दीदी, इसको जो है मतलब ऐसी जगह तो भेजो जहाँ सब्जी वगैरह मिलती हो। तो फिर मुर्तजापुर था जहाँ से सब्जी लाते थे, तो दीदी को मुर्तजापुर में तो कम से कम शिफ्ट करो, ये कहाँ रह रही है दीदी, मतलब भाई देख के हैरान हो गया। तो फिर मुझे मम्मी ने बोला गुप्ता जी को कि कोई मकान देखिए मुर्तजापुर में तो आप वहाँ ले लीजिए घर, तो सही रहेगा, किराया तो यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। फिर उन्होंने सोचा समझा, तो यानी कि साल भर बाद हम मुर्तजापुर स्टेशन जो है वहाँ पर आ गए। ड्यूटी बडनेरा ही थी, मुर्तजापुर में रहने के बावजूद ड्यूटी बडनेरा ही थी, बस हम मुर्तजापुर में रहेंगे तो ये हो जाएगा जो बेसिक चीजें मिलती हैं, बेसिक नीड्स, वो हमें मिलने लग जाएगी, क्या सब्जी ब्रेड और दवाएं मेडिसिन। फिर हम मुर्तजापुर आए और फिर हमने 3 साल, शादी 2001 की है, 2004 में शुभी हुई है, तो जो मैंने शुभी मतलब शुभी का टाइम की जो प्रेगनेंसी थी कंसीव किया मैंने मुर्तजापुर में, ये हुआ कि भाई डॉक्टर तो है, कोई परेशानी आएगी तो डॉक्टर के पास जा सकते हो अकेले या दोकेले। तो हम मुर्तजापुर आए, हमने एक किराए का मकान लिया, रेलवे क्वार्टर हमें वहां पर भी नहीं मिला, क्यों, क्योंकि हमारी पोस्टिंग मुर्तजापुर में नहीं है, जिस शहर में आपकी पोस्टिंग होगी उसी शहर में आपको रेलवे का क्वार्टर मिलेगा ना, रूल मतलब रूल, तो सरकारी जॉब्स में तो और भी ज्यादा सारी चीजें नियम कानून के हिसाब से होती है, और फिर गुप्ता जी जैसे लोग, तो मुर्तजापुर में हमें रेलवे क्वार्टर नहीं मिला, हम एक किराए के मकान में रहे, और घुरडे करके एक सरनेम था, घुरडे उन महाराष्ट्रियन फैमिली, उनके यहाँ हम एज ए टेनेंट किराए से रहे। शुभी की प्रेगनेंसी वहीं हमें खबर पता चली, और जो खबर पता चली पहली बार का था, कुछ पता तो चला नहीं, वोमिटिंग वगैरह बहुत होती रही, शुरू में 15 दिन बड़ी तकलीफ रही, जब डॉक्टर के पास गया तो पता चला ये न्यूज़ है। तो फिर उसके बाद घर में बताया तो दिक्कत बहुत हो रही थी, सुबह सुबह से उठा नहीं जा रहा था और डब्बा बनाया नहीं जा रहा था, उल्टी बहुत हो रही थी, तो ये हुआ कि मम्मी ने कहा कि घर आ जाओ थोड़े दिन के लिए, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब घर गई तो घर से वापस ही आना नहीं हुआ, वापस आना ऐसा नहीं हुआ कि 3 महीने, 3rd महीने में तो प्रेग्नेंसी पता चलती है, बताते ना डॉक्टर के 3 महीने हो गए, ये भी हमें फर्स्ट टाइम पता चला था कि अच्छा आप 3 महीने भी हो गए, क्योंकि वो काउंटिंग जैसे होती है। तो फिर 3 महीने तो हो ही गए मीनू, अब बांदा गए तो 1 महीने 15-20 दिन रुक ली, तो लगा कि 4 महीने तो हो गए हैं, और वहाँ कोई करने वाला नहीं है मुर्तजापुर में, और मेरे ससुराल में मेरी ननन की शुभी के टाइम तक, यानी कि इस 3 साल के बीच में छोटी ननन जो थी उनकी शादी हो गई, मैं शादी ससुराल गई थी शादी में, 1 महीना रही भी थी उसकी शादी के टाइम पर, और तो लेकिन मेरी दादी सास और सास हैं, ससुर जी हैं, तो सास या दादी सास मेरे पास नहीं आ रहे थे कि हमको अच्छा नहीं लगेगा वहाँ, अब वो मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो अलग भाषा, अलग शहर, अलग गांव, तो जब आज नहीं अच्छा लगेगा तो सोचो तब कैसे अच्छा लगता, जबकि पता था कि वहाँ तो हर चीज़ की किल्लत है। तो आया नहीं कोई भी, मेरे साथ आने को अग्री नहीं थे, मैंने कहा भी, गुप्ता जी ने भी बोला कोई आया नहीं। तो फिर बांदा जो गई तो फिर ये हुआ कि डिलीवरी का जो पहले समय आया 6-7 महीने,
तो मेरे उस समय मेरे ससुर जी चले गए कहीं बाहर, मतलब घर में नहीं थे। घर में मेरी ससुराल में मेरी दादी सास और मेरी सास थी, छोटी ननद की शादी हो चुकी थी, गुप्ता जी की ड्यूटी मुर्तजापुर में थी। अब ये हुआ कि जो प्रेगनेंसी होगी, डिलीवरी होगी तो कहाँ हो, क्योंकि मुर्तजापुर में तो गुप्ता जी सुबह के जाते हैं, रात में आते हैं, और कोई नहीं है दूसरा। और ससुराल में मेरी सास ने बोला कि ससुर जी तो है नहीं, हम और दादी अकेले हैं, कौन तुम्हारी देखभाल करेगा, कोई दवा भी लाना होगा तो आप क्या करें। लड़कियों के तो दो ही घर होते, एक मायका और एक ससुराल। तो फिर जब मायके पहुंच ही गए थे तो माँ बाप भगा तो देंगे नहीं, तो ठीक है रुकी रहो। जब ससुराल में साफ साफ कह दिया कि कौन है यहाँ दवा लाने वाला, कौन है केयर करने वाला, ससुर जी तो है नहीं और भैया तो मुर्तजापुर में रहता है, तो फिर मायके के मायके में ही रह गई मैं, और वहीं मेरी डिलीवरी हुई। जबकि भले ही महाराष्ट्र में ये मतलब संस्कृति है कि पहली डिलीवरी हुई तो भेजते हैं, चाहे जितने भी संपन्न लोगों मायके भेजते हैं, हमारे यूपी में ऐसा नहीं है। चाहे जितने भी गरीब हों, चाहे जितने भी रईस हों, कोई लड़कियों की बहुओं की डिलीवरी करने के लिए स्वेच्छा से भेजते नहीं है मायके। अब मैं तो चली ही गई थी, ज्वाइंट फैमिली, चाचा मामा पापा सब, मतलब वही पूरा बांधा सब कुछ, और बड़ा बेकार, बहुत ही मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा खराब जो समय था ना, वो मेरा प्रेगनेंसी में जो मैं बांधना में रही। मतलब वहां रहने से उन लोगों कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे रह रहकर दिक्कत थी। जो मैं 3rd मंथ की प्रेगनेंसी में शुभी के समय में बांधना गई, पूरा 1 साल बांधना रही शुभी, वहीं हुई। होने के बाद भी मम्मी ने उसको संभाला, और जब इस लायक कर दिया कि मैं उसे गोद में लेने लायक बन गई, उसको मतलब फर्स्ट बेबी, कुछ मुझे आता ही नहीं था, उसको नहलाना धुलाना, कपड़े चेंज करना, इस लायक हो गई, तब उन्होंने मतलब शोभी के साथ मुझे भेजा, कहा कि ठीक है अब तुम चली जाओ। फिर आए हूँ और मुझे लेकर के मुर्तजापुर आए। उसके बाद शुरू होता है ये मदरहुड जर्नी, और वो देखने के लिए मेरा अगला वीडियो देखो, तो मैं आपको बताती हूँ मदरहुड जर्नी मेरी कैसी रही, कैसे रो रो के मैंने एक एक दिन मतलब दिन गुजारे, और कैसे पाला पोसा बच्चों को। अगला वीडियो में मैं बताती हूँ। थैंक यू। अगला वीडियो जरूर देखें।